इस G20 कंपटीशन में आप देखेंगे तो जो हमारा G20 का जो मेन मकसद है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे जो राष्ट्र हैं उनको एक परिवार की तरह देखना, और उसके माध्यम से जैसे भी चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे क्विज के क्षेत्र में हो, और हमारे इस जो या इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत तरह के ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और साथ ही साथ क्विज कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज किया, और जिससे हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला कि पूरे देश में क्या क्या तकनीकी के मामले में हमारा देश कैसे विकसित कर रहा और हम कैसे एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर जा पाएँ। तो ये इनका मकसद। ऋषि अग्रवाल मेरा नाम है। तो हम 1 अप्रैल से कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो मिले हैं वह केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर और जहाजपुर। तो पहले रोज़ हमने प्रभात फेरी से शुरू किया, फिर योगा किया, एक दिन स्वच्छता भी हमने किया, एक दिन वेबिनार की, कल हमने प्लांटेशन किया, और आज हम क्विज कर रहे हैं। और एक क्विज भी हम 2 लेवल पर कर रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, बाहर के सभी डाइट्स वगैरह से भी लोग शामिल हैं, और इसके बाद हम हमारे डीएम स्कूल के बच्चे भी एक क्विज करेंगे। इस क्विज में हम G20 से रिलेटेड इसका क्या बैकग्राउंड है, कितने कंट्रीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस G20 के ग्रुप में जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से एक इंटरनेशनल फोरम में हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डेवलप किए हैं, और उन्हीं पर ये 3 राउंड में ये क्विज हो रही है, ताकि बच्चे हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा एक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो बच्चे हैं वो भी शिक्षक बनेंगे, और 13 स्टेट से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स में इन चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो एक जागरूकता अभियान के रूप में हम ये सब एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर कर रहे हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हमारे साथ हर एक्टिविटी में बिल्कुल एक्टिवली जुड़े रहते हैं। आमर एक्चुअली G20 जनभागीदारी इवेंट्स जोटा चली आमर 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाए, से दिन आम प्रभात फेरी करूँ, आउ सेकेंड डे रे आम योगा करूँ, थर्ड डे रे आम गोटे वेबिनार करी डिस्कशन करूँ अन् फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी उपरे, तापरे काली आमर प्लांटेशन होता, आउ आज आमर क्विज कंपिटिशन चलती। जो क्विज कंपिटिशन रे आमर 2टा लाइक इंस्टीट्यूशन आम नहीं चु, 2टा इंस्टीट्यूशन इन द सेन्स कि आमर RI भुवनेश्वर सेठी अच्छी, आम पिला अभी तांकर प्रोग्राम चली, आउ DM स्कूल आमर पार्ट एंड पार्सल ऑफ RI भुवनेश्वर, तांकर छुआ मानकर सब आरंभ हम 11:30 बेले। सो यही जो क्विज कंपिटिशन आम करूँ बर्तमान, यहाँ पिलांकर अवेयरनेस केते G20 कौन आउ तार लाइक ऑब्जेक्टिव कौन आउ सेटा केमिति भाबरे आमर स्कूल एजुकेशन को अफेक्ट करिबो किंबा एनहांस करिवारे आमको हेल्प करिबो, ताधरे पिला माने उनको क्वेश्चन पचरा होची। 1 इज ऑन G20 ऑब्जेक्टिव्स, तापरे निपुण भारत गोटे आमर इनिशिएटिव निया हिची, आउ बुक भी बाहरी फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी, ता उपरे क्वेश्चन पचरा होची, आउ जो फाउंडेशनल लिटरेसी उपरे क्वेश्चन पचरा होची, बिकॉज आमर एटा गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आउ जो G20 रो जहाँ सब ऑब्जेक्टिव अच्छी इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू अस ऑल्सो टू एजुकेशन। पिलांकर आग्रह बहुत, कहीं जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जोटा जहाँ पर आम क्वेश्चन पचारूँ किंबा फाउंडेशनल आई मीन जो एलिमेंट्री और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो क्वेश्चन आम पचारूँ जोटा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी आउट हो जाइए तार आई मीन द रिपोर्ट एंड एवरीथिंग इज आउट, तो से पिलांकर इंटरेस्ट कहीं से विषय पढ़ुं, आउ G20 तांका बहुत 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 बड़ गोटे उत्साह आनी दे जे इंडिया इज नाउ लाइक G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को दि जाइए, आउ से बिकज से स्टूडेंट एंड से फिल करुंतर कंट्रीब्यूशन आउ तांकर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प इन क्वालिटी एजुकेशन डेवलपमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन आउ निजर डेवलपमेंट पाई, सो इन अ प्रोसेस से भावते दे विल अल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल ग्रोथ, तो से रियली बहुत इंटरेस्टेड अच्छा यहाँ दैट बीइंग पार्ट ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन DM स्कूल इज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज। एवरी डे देर इज 1 एक्टिविटी इन विच इंस्टीट्यूट एज वेल एज DM स्कूल इज पार्टिसिपेटिंग। टुडे बीइंग अ बिगर नंबर इन क्विज वी हैव केप्ट इट सेपरेटली बिकॉज द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफरेंट। वी हैव गॉट स्टूडेंट्स अप टू 17 ईयर्स एंड हियर दे आर बियॉन्ड 17 ईयर्स। So, and the students are very, very excited. They participated in Prabhat Feri, they participated in
श्रमदान स्वच्छता कैंपेन दे पार्टिसिपेटेड इन योगा कैंपेन एंड वी आर हैविंग दिस टुडे ऑल एक्टिविटीज दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर सो हैप्पी सो एक्साइटेड अबाउट G20 बींग ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ सर्टन एक्टिविटीज वी हैव गॉट 1130 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल and they are going to have lot of more fun filled activities in which their health is taken care of, their educational needs are taken care of. Like we are going to have cyclothon day after tomorrow. After that we are going to have some sports friendly matches followed by several other activities right up to 22nd. So we are very happy, students are very happy, and we are taking this to the students, and therefore that is going to their families and their further families. So it is getting great publicity as well. As the people should know, it is a great moment for us, great year for us, that we have got presidency since 2008. For the first time we have got a presidency, and we must celebrate in all ways.